उसको दे दे, एक बार दे दे उसको। तो ये देखिए यहाँ का नवरात्रि विसर्जन हो रहा है और मैं जब सब पे काठमांडू निकला हूँ, 12 बजे निकल रहा हूँ। ये नाच रहे कि लड़ रहे समझ नहीं आ रहा है। नेपाल जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कैश चेंज करना पड़ता है, नंबर चालू रखने के लिए आपको सिम कार्ड चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन वो तो चलो भाई की वजह से मिल रहा है मुझको। तो यहाँ से काठमांडू 142 दिखा रहा है। मैं घुसते यहाँ पे जाम लग गया भाई, ये देखिए बहुत गंदा जाम लगा है। निकल जाने दो मुझको। हाँ हाल हो गया मेरा, और ये रहा नेपाल का एंट्री गेट। चलो हम भाई कितेश जा रहे हैं नेपाल, घुसने वाले हैं। अभी सेमिंग सब बंद हो गया रहेगा। भंसार कहाँ होता है यार, कहाँ पे आप रास्ते में चलते हैं सब शूटिंग होता होगा। हाँ कभी तो हो रहा है अंदर हमारा, 4-3 दिन का बन रहा है, 4 दिन का बन रहा है, मतलब 2 दिन 2 रात, 400 रुपये नेपाली। नगुआ जाना हमको, नाम बोले तो भाई नगुआ पता है आपको, यहाँ पे नगुआ कहाँ से, नगुआ चौक नेपाली डिश का नाम। यहाँ पे कमाने वाले कुछ लोग रहेंगे, है जो कमाने वाले कुछ लोग हैं यहाँ पे। अब गाड़ी लेके जाना है, कागज़ पत्र मिलाएगा, नंबर सेम देखिएगा, फिर अंदर एंट्री। यो भाई अभी बहुत सीन शॉट हुआ नेपाल के अंदर घूमने के बाद मेरा दोनों सिम बंद हो गया था। भाई लोग को फ़ोन किया, जुगाड़ उगाड़ किया, अब जाके सिम का हो गया। अब मुझे एक हम सफ़र चाहिए, बताता हूँ आपको। मतलब मुझे अभी नेपाली सिम कार्ड मिल गया है, अगर कुछ मुझे इनकेस हुआ तो मैं किसी से बात कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक नेपाली गाइड चाहिए, जो मतलब मेरे भाई का जो साला है उसको पकड़ता हूँ, वो मिल जाए मुझे प्रतिमा चौक के पास, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे। तो भाई नेपाल में क्या लगता है आपको, क्या होगा पेट्रोल का भाव, अभी हमें पता चलेगा। नेपाली सब लिखा हुआ ना यहाँ पे, नेपाली 112, अब इसका हिसाब किताब बताएंगे आपको फुल टाइम पे। कितना हुआ, 700। नेपाली नहीं आती मेरे को। नेपाल में भी यही हाल है, देखिए रास्ते बन रहे हैं बड़े बड़े, तो बड़े बड़े रास्ते बनाने के लिए पुराने रास्ते तोड़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हाल हो जाता है। सॉरी बोलूँगा, हमारे साथ हमारे सूरज भाई है, जो हमको सूरज भाई ने हमारे क्या लगेंगे, साले साहब, हमारे साले साहब लगेंगे। तो ये जो बता रहे यहाँ पे ऑयल है, ऑयल यहाँ पे आता है, देन यहाँ से पूरे नेपाल में जाता है, मतलब इंडिया से ऑयल यहाँ पे आता है। पानी क्यों नहीं आ रहा नदी में, खत्म है ये सब, पानी नहीं आता है। अच्छा अभी छोटे, मतलब छोटे ही यार, आप लोग समझ जाना मैं बीच बीच में ना भोजपुरी में बात कर रहा हूँ। ओके यहाँ पे रास्ता चालू हो गया घाट का, का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। 3 नंबर पुल। ओके ये काका राम रोश है। यहाँ पे एक और हमारे हम सफ़र जुड़ गए हमारे साथ, ये जो बाजू में नदी जा रही है, इस नदी का कुछ नाम तो होगा, राप्तिव। यहाँ क्या है कि ये मंदिर है जहाँ पे माता का नाम है चूरिया माई, और ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे मतलब रुक के ही जाते हैं कि हाँ। भाई साहब रास्ते देखिए, थोड़ा एंट्री करेंगे, एक औरा वहाँ से कुछ चालू होगा क्या, यहाँ भी पुलिस वाले हैं। अच्छा नहीं इसे देख रहे, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम लोग जहाँ जा रहे काठमांडू, तो हमारे यहाँ से जाने का 3 रूट है काठमांडू। एक है घाट होकर जहाँ से बाइक और 4 व्हीलर जाती है, एक है जहाँ से खाली बसें जाती है, और एक है जहाँ से दोनों जाती है। सो हम तो आए हैं बाइक से भाई, तो हम तो बाइक से जाएंगे कि एकदम अच्छा लोकेशन दिखे हमको, अच्छा नज़ारा दिखे। और काठमांडू 80 किलोमीटर, चलो भाई अब ज़्यादा दूर नहीं अपना सफ़र,
ये रहा काठमांडू 80 किलोमीटर, सीधे चलो सीधे चलो सीधे, मारना नहीं। कैमरे के सामने आ नहीं पाऊंगा तो आप सब देख लो, ये एक नेपाल का हथौड़ा शहर है, यहाँ का मार्केट है, ओके। और मार्केट आज खुला है भाई, वो देखो क्रिस दिख रहा है मुझे वहाँ पे, क्रिस खड़ा है, वो देखो जैकेट पहन के क्रिस खड़ा है। मैं तो नहीं, मतलब नहीं रुकने वाला था, मैं तो बस बढ़ते जा रहा था कि भाई चलो आगे जाते हैं, क्योंकि अपने को तो कुछ पता नहीं यहाँ पे क्या कैसा सीन है। तो जैसे मतलब मैंने लेफ्ट साइड टर्न लिया तो मुझे कुछ इस तरह दिखाई दिया जिस पे मैं चल रहा हूँ, ओके। तो ये कौन से सिटी में कहाँ पे है? अच्छा, हथौड़ा सिटी में ही है ये। ओ माय गॉड, ये ब्रिज, इस ब्रिज का कुछ नाम पता है? झुलंगे पुल बोला जाता है। कौन सा? झुलंगे पुल। झुलंगे पुल। अच्छा, झूलते रहते हो वहाँ पे। देखिए, हमने बाइक रखा है और जस्ट लेफ्ट साइड में जाते समय काठमांडू आपको ये ब्रिज दिखेगा, झुलंगिया झुलन। तुम्हारे बाल तो पूरे पीछे की ओर उड़ के आते समय कहीं आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जाते एंड तक जाके आते हैं। हाँ, तो कितना लंबा है ये? बहुत लंबा। अरे ये तो लिटरली मतलब कुछ ज़्यादा हिल रहा है यार, बहुत लंबा। तो ये नीचे का व्यू है। इस पे बाइक अलाउड होता ना तो बाइक जाता नहीं, बाइक कभी जाता कभी उधर जाता। ये सरप्राइज, मतलब सरप्राइज जैसा है मेरे लिए। हम इस वक्त पुल के बीच में, नदी सामने, ऊपर गांव, क्या गांव है यार। जा रहे, बाकी लोग आ रहे और हम पुल पे ऐसे कभी राइट कभी लेफ्ट झूल रहे। बीमा देख तेरे गांव से जा रहे हम लोग, तो भीमा मेरा एक दोस्त है, मेरा भाई जैसा है, नेपाली। तो भीमा देख तेरे गांव का कितना बेस्ट झुलवा पुल है यहाँ पे, और ये पहाड़ के ऊपर बसा एक गांव है, वाह। अच्छा, ये पुराना ब्रिज है, मतलब और यहाँ पे ठंडी जो मतलब लगना चालू हो गई है, उसको मत इंतजार था, आ जाओ एकदम सटा के टर्निंग पे, वाइट टर्निंग पे एकदम संभल के रहे आप, जहाँ पे बिल्कुल ना दिखे, धीरे और हॉर्न मारते हुए। ओ हो, ये देखिए भाई क्या सीन है भाई, थोड़ा रुक के फोटो खींच लेते आप वहाँ पे। हाँ, रुक के थोड़ा सा टिकट टिकट मारते टिकट। और पुल दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस हैं जो केबल से बने हुए हैं, और यार तो सभी ब्रिज पे तो नहीं जा सकते, एक एक ब्रिज पे गए हम लोग, बड़े ब्रिज पे गए थे, देखो उतना ही बड़ा ब्रिज है, तो यहाँ पहले से रुके ही हैं। अच्छा ये ओके, मतलब बारिश में तो भाई मचा देते होंगे यहाँ पे, और बीच में देखो केबल भी दिख रहा है। अच्छा, वो काम करने के लिए सही है। इधर या इधर राइट ना, वाह नहीं रोका। अच्छा, यहाँ ये जाने का काठमांडू रास्ता एक लेफ्ट साइड में जाता है, और ये भी जाता है, तो यहाँ से छोटी गाड़ी जाती है। नेपाल कैबुल, देखो आगे लिखा है नेपाल कैबुल। ओ माय गॉड, देखो आगे लिखा है नेपाल, नेपाल कैबुल है तुमको, नेपाल कैबुल। जो रास्ते हैं, जो टर्निंग है, इसको जान लो, मैं इसको मैं नहीं करता पीछा विछा है, जाने दो, अपने दर्शकों को अच्छा व्यू भी दिखेगा कि गाड़ी कितना टर्न मार रही है, कैसे गोल गोल घूम रही है। भाई जंगल बीच में गिर गए। अच्छा, दारू पी के सोया है, इनसे बस बच के रहना आपको, अगर कुछ इनको हो गया तो गांव वाले पकड़ लेंगे क्या? कि मेरा मर्द को ठोक दिया रे बाबा। बोला ना, लोग टाटा वाले सटा के जाते हैं। टाइम हो रहा है 5:17 और अभी से यह हाल है। ओहो, यहाँ पे आपको ऐसे ब्रिज बहुत मिलेंगे, इन ब्रिज के वजह से हम एक बार से दूसरे बाहर जा पा रहे हैं।
ऊपर जाएंगे। अरे भाई हाँ वो देखो हाँ घूमते घूमते भाई वाह वो देखो पूरा दिख रहा है मेरे को रास्ता यहाँ से नहीं जाएगा ना, ये लोग जाने देंगे तो ही जाएंगे वरना। हाँ अभी खाली मिलेगा, अभी खाली मिलेगा। हाँ हाँ चल ये टाटा सुनो वालों से। अरे बाप रे क्या है भाई क्या रास्ता है, सड़न एकदम ऊपर आ ऊपर लेके आ गए। रखो हाँ इधर थोड़ा डे नर्वस हो गया थोड़ा सा। हाँ गड्ढा आ गया ना, तुम टर्निंग पे गड्ढा है मैं ये साइड ही रहूँगा, वो साइड नहीं जाना मेरे को मैं ये साइड ही रहूँगा। ओ वाओ बहुत ऊपर आ गए भाई। खाली चल रहा है सेकेंड और फर्स्ट गियर पे और मैं ये लेफ्ट साइड बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड देख रहा हूँ, मेरी हवा टाइट हो रही है, गांव बहुत नीचे पहुँच गया है। सेम गाड़ी यहाँ एक ब्रेक नहीं भाई, दोनों ब्रेक मारे आगे पीछे का, और जब चढ़ान पे हो तो दोनों ब्रेक मारे, और जब चढ़ना हो तो आगे का ब्रेक छोड़ के पीछे का ब्रेक धीरे धीरे छोड़ के एक्सेलरेटर ले। देख रहे रास्ता कैसा है, रुक गई नहीं हमारी गाड़ी यहाँ पे। ऊपर अपना कमाल दिखा और KTM अपना कमाल दिखा, आगे से गाड़ी एकदम खड़े का खड़े उतर रहा है भाई। तो किसी भी गाड़ी के पीछे रुके तो दो चार बार हॉर्न मार दे, उसको मालूम पड़ जाए कि हमारे पीछे भी भाई कोई गाड़ी रुका है। पहुंच गए ऐसा सुनना चाहते आप लेकिन नहीं सुन सकते, हम पहुंचे हैं मतलब काठमांडू का 120-130 किलोमीटर पीछे और पहाड़ के सबसे टॉप पे। अंधेरा हो गया, कुछ व्यू नहीं निकले अभी तक जो आपने देखा ना, लाजवाब लाजवाब रास्ता एकदम छोटा। टाटा सुमो सट के यहाँ की स्पेशल कॉफी है, ओ वाओ स्पेशल कॉफी, यहाँ की स्पेशल कॉफी। यस देखो देखो जी देखो स्पेशल यहाँ की। इसी रास्ते के बात कर रहा था, ऐसे बहुत सारे रास्ते गए जहाँ पे पहाड़ टूटते गिरते रहते। अभी गाड़ी वापस से गर्म हो जाएगी पर हमें तो बहुत ठंडी लग रहा है यार। कूल ओके सो बैटरी लो बैटरी है 1% गाइस, मैं काठमांडू पहुंच गया हूं और बहुत ही मज़ा आया। आधा रास्ता उजाला आधा रास्ता अंधेरा, मतलब जाते समय आपको आधा रास्ता देखना पड़ेगा जो मेन रास्ता है काठमांडू से। ओके सो कल करेंगे हम काठमांडू को एक्सप्लोर जो आप देखोगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके उसमें कमेंट करना ना भूलिएगा। कैसा हम अपने भाई के साले के दोस्त के घर पर हैं, मचा रहे भाई फैमिली के, सच में लाइक बटन दबा दो यार, बहुत दूर आ गए हैं इंडिया से, बाहर देश आ गया आपका भाई, बाहर देश क्या बोलते। और मैं बहुत दिखा नहीं रहूँगा और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अकेले फर्स्ट टाइम कभी ना आए। मैंने एक ये अच्छा काम किया, अकेले फर्स्ट टाइम कभी नहीं आए, वरना मैं आधे रास्ता छोड़ू मैं वो शुरुआत होती वहाँ से घूम जाता। हाँ जी सो गाइस चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बेस्ट प्लेस इन काठमांडू। So bye-bye.